पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए अद्वैत वेदांत के इस पंचदशी नाम के ग्रंथ पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसका है तृतीय प्रकरण पंचकोश विवेक प्रकरणम विचार कर रहे हैं। इसमें आत्मा की स्वयं प्रकाश रूपता का कथन किया गया और भी बता रहे। शास्त्री जी बोलिए, क्या शंका थी आपकी? नहीं, वही मतलब महाराज जी से भी कल पूछा था तो बताए कि यहाँ कोई सामान्य विशेष का विचार नहीं करके ये सामान्य रूप से अनुमान दिया गया है। और दूसरी बात है, प्रभाकर मत में संवेदन को स्वयं प्रकाश मानते हैं, तो उसको मैं उसके मत को लेकर के दृष्टांत दे दिए। तो लेकिन अभी देखो, जो पंडित पीताम्बर वाली वो टीका में वो साफ साफ जो है वो दिए है कि संवेदन का जो, जैसे यहाँ पे भी आया था कि ज्ञान से ज्ञानांतरेण भाषणा भावात, तो वहाँ पे सीधे सीधे वो पंडित पीताम्बर जी ने, वो पंडित पीताम्बर बड़े विद्वान हुए हैं, वो कौन सा विवेक विचार चंद्रोदय की विचार सागर है, ये दो में से कोई एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है पंडित पीताम्बर ने। तो इंद्रिय जन्य की, हाँ जी, हाँ हाँ, पंडित पीताम्बर और विचार सागर विचार चंद्रोदय ग्रंथ पंडित पीताम्बर ने लिखा है, तो बहुत मतलब वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष माने जाते हैं पंडित पीताम्बर। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को दोनों जगह लिए है, और इसमें भी जो ये अपना कल्याण पीयूष व्याख्या, उसमें तो अनुमान में आत्मा स्वप्रकाश संवित कर्मताम अंतरेण, संवित कर्मता की जगह दिए इंद्रिय जन्य ज्ञाना विषयत्वे सती, ऐसा सीधे संवित की जगह इंद्रिय जन्य ज्ञाना विषयत्वे सती ऐसा कर दिए। इसलिए मैं वही बता रहा था भाई कि संवित का मतलब होता है वृत्ति ज्ञान, वृत्ति की संवित कर्मता के बिना भाई आत्मा संवित कर्मता के बिना, संवित कर्मता के बिना मतलब कि वो फल व्याप्ति नहीं होती है ना, इसलिए वो संवित कर्मता के बिना ले लेंगे, फल व्याप्ति नहीं। ये बात महाराज जी भी कल बता रहे थे, अगर इसको लेंगे तो फल व्याप्ति के बिना जो है ऐसा अर्थ करेंगे। इसलिए संवित का अर्थ दोनों जगह संवेदन संवित दोनों जगह वृत्ति ज्ञान लीजिए, साफ साफ कोई बात नहीं, क्योंकि वो टीका मिल रहा है तो दो कोई ऐसी विरोध नहीं है। चलिए देखिए और शास्त्री जी क्या और क्या है? ठीक है, चलिए। तो आत्मा में सत्यत्व का उत्पादन करने के लिए सत्यत्व का लक्षण भी दिया गया, सत्यत्व किम बाधराहित्यम, तो जगत बाध है कि साक्षीण है सत्यत्व, जो आत्मा है जगत बाध मात्र को जानने वाला, पूरे जगत के बाध को एकमात्र वो देखने वाला जो जानने वाला आत्मा है, उसका बाध जो है कौन जानेगा, और बिना साक्षी के तो बाध की सिद्धि होगी नहीं, इसलिए वो बाध राहित्य रूपी सत्यत्व आत्मा में सिद्ध होता है, ये दिखा दिए। भी 29 हो गया था, 30वां श्लोक देखिए। उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, उक्त अर्थ को दृष्टांत के द्वारा दिखाते हैं, 30वां श्लोक देख लीजिए। अपनीतेषु मूर्तेषु यमूर्तं शिष्यते वियत, शक्केषु बाधितेष्वन्ते
शिष्यते यत्तदेव तत्। अपनीतेषु मूर्तेषु, सभी मूर्त पदार्थों को हटा लेने पर, जैसे कमरे में कोई जो है दिवाली के समय, दीपावली के समय जब पेंटिंग कराते, सब सामान घर से कमरे से बाहर निकाल दोगे, सभी मूर्त पदार्थ को, मूर्त मतलब जो रूपादिमान पदार्थ है, जो परिछिन्न पदार्थ, जैसे कोई भी परिछिन्न घर के भीतर जो भी सामान रखे है, परिछिन्न पदार्थों को मूर्त पदार्थ कहते हैं, वो दिखता है ना, रूपादिमान है। तो मूर्त पदार्थों को हटा लेने पर, इसका मतलब वो आकाश तो हटेगा नहीं, आकाश तो रहेगा, आकाश क्या वायु भी रहता है, इसलिए कथानक भी आता है कि कोई जो है राजा एक बार परीक्षा करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए, तो एक बहुत पेटी रखे हुए है, पेटी, सबको बोले इसके भीतर क्या है, सब लोग जो है पेटी को हिला हिला करके देख रहे हैं, उसके भीतर कुछ भी नहीं, सभी ने कहा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। फिर एक विद्वान ने बताया नहीं इसके अंदर वायु है, तो राजा ने स्वीकार किया, हाँ इसके भीतर सब कुछ नहीं लेकिन वायु तो है, और वायु भी जहाँ नहीं तो आकाश तो रहेगा, आकाश तो जैसे ऊपर आसमान में ऊपर चले गए, वहाँ वायु नहीं है, तो वायु नहीं होने पर भी आकाश तो है ही, तो यही बात यहाँ पे। अपनीतेषु मूर्तेषु, मूर्त पदार्थों को हटा लेने पर, मूर्त जो परिछिन्न रूपादिमान पदार्थ है उसको हटा लेने पर, अमूर्त जो वियत है आकाश है वह बच जाता है, अमूर्त है उसमें कोई जो है रूप अरूपादि नहीं है, तैसा आकाश बच जाता है। और शक्येषु बाधितेषु अन्ते, इसी प्रकार सभी शक्य पदार्थ, शक्य मतलब पदार्थ, शक्य का सीधा सीधा अर्थ ले लीजिए पदार्थ, शक्ति वृत्ति का जो विषय जिसको हम लोग शब्द से बोलते हैं, जैसे लेखनी, लेखनी एक शब्द हुआ जो हम मुख से बोल रहे हैं, लेखनी शब्द, लेखनी शब्द का शक्य हो गया ये लेखनी, जो इससे हम लिखते हैं, तो लेखनी शब्द का अर्थ उसी को कहेंगे शक्य, शब्द के अर्थ को शक्य कहते हैं। तो शक्येषु, शक्येषु मतलब पदार्थेषु बाधितेषु, सभी पदार्थों के बाधित हो जाने पर, अन्ते शिष्यते यत, यद अन्ते शिष्यते तदेव तत, वही ब्रह्म है। जैसे सभी मूर्त पदार्थों को हटा लेने पर जो बच गया वह आकाश है, इसी प्रकार सभी पदार्थों के बाधित हो जाने पर, शक्य सभी पदार्थों के बाधित हो जाने पर जो अशक्य रूप है, शक्ति वृत्ति का विषय नहीं बनता है, ऐसी आत्मा शेष बचेगी, आत्मा रह जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। इसलिए आत्मा का बाध कभी नहीं कह सकते, आत्मा का भाव नहीं। ठीक है, मैं देख लीजिए, अपनी तेषु मूर्तेषु गृहादि गतेषु घटादिषु अपनीतेषु, मूर्त जो गृहादि में होने वाला घटादि है, घटपटादि ये सब मूर्त पदार्थ है, रूपादिमान पदार्थ है, परिचिन्न है, तो गृहादि में होने वाले घटपट पदार्थ, जो भी वस्त्र है, घट है, कुर्सी है, अन्य पदार्थ है, पर पात्र बर्तन है, इन सभी को हटा लेने पर, यानी गृह अपनीतेषु का अर्थ कर रहे गृहादिभ्यो निस्सारितेषु, घर आदि से हटा लेने पर, निस्सारितेषु सत्सु, यथा अपने तुम अशक्यं नभ एवावशिष्यते, तो जैसे जिसको नहीं हटाया जा सकता ऐसा आकाश तो बाकी बचेगा, सभी को हटा लो लेकिन आकाश को नहीं हटा पाओगे, आकाश को ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, इसलिए आकाश तो बचेगा। जैसे ये दृष्टांत हुआ, इसी प्रकार एवं ऐसे ही दार्शनिक में आ जाए, स्व व्यतिरिक्तेषु मूर्ता मूर्तेषु देहेन्द्रियादि, स्व से व्यतिरिक्त, आत्मा से व्यतिरिक्त जो मूर्त है चाहे अमूर्त है, मूर्त से तीन को लेते पृथ्वी जल तेज को, और अमूर्त से दो को लेते वायु और आकाश, तो मूर्ता मूर्तेषु देहेन्द्रियादि,
जी। लेकिन यहाँ यहाँ तो समझाने के लिए अमूर्त दो है तो उसमें से आकाश तो बचता ही है। अमूर्त से दो को जो रूपाधिमान होता है तीन होते हैं ना। मूर्तामूर्त ब्राह्मण देख लो, बृहदारण्यक में मूर्तामूर्त ब्राह्मण नहीं है। सत्य त्यज भवत, सत यानी पृथ्वी जल तेज और त्यज यानी वायु आकाश, वही मूर्तामूर्त। पृथ्वी जल तेज मूर्त है और वायु आकाश अमूर्त है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण बृहदारण्यक में देख लीजिए। तो उसमें से अमूर्त वायु भी है आकाश भी है, लेकिन यहां जो दृष्टांत दिया आकाश को, अमूर्त आकाश शेष बचेगा है ना। महात्मा बहुत है, लेकिन हम जब कहेंगे महात्मा स्वामी जगदीशानंद जी महाराज तो सबको ले लोगे क्या? सबको महात्मा बहुत है, लेकिन आपका नाम लेके बोले तो आपको लिया जाएगा कि? अमूर्त दो है, लेकिन यहां जो दृष्टांत दिया अमूर्तम वियत शिष्य से बोल रहे, सीधे सीधे वियत दे दिए, दो में से कोई लीजिए ठीक है। अमूर्त जो वियत है वही शेष बचता है, सीधे यहां कर दिए। तो इसी प्रकार एवं स्व व्यतिरिक्तेषु मूर्ता मूर्तेषु देहेन्द्रियादिषु निराकर्तुम शक्येषु। स्व से व्यतिरिक्त जो आत्मा से, स्व यानी आत्मा, आत्मा से व्यतिरिक्त जो मूर्ता मूर्त है शरीर इंद्रिय आदि, उसमें से कुछ मूर्त है कुछ अमूर्त है। वायु आकाश का कार्य है तो अमूर्त है, पृथ्वी जल तेज के कार्य रूप है वो मूर्त है। तो सब मूर्ता मूर्त जो देहेन्द्रिय आदिषु निराकर्तुम शक्येषु, निराकरण करने के योग्य है। उनका जब निराकरण कर दिया, निराकरण मतलब अभाव का बोध करा दिए या नहीं है, इसलिए नेति नेति श्रुत्या निराकृतेषु सत्सु। निराकरण किसके द्वारा निराकरण किया? नेति नेति इदम न, इदम न, यहां नेति नेति में इति शब्द का अर्थ है इदम, या भी नहीं स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं। स्थूल सूक्ष्म सभी का निराकरण करने पर इति श्रुत्या निराकृतेषु सत्सु अन्ते अवसाने, अंत में अवसान में सर्व निराकरण साक्षित्वेन यो बोधो अवशिष्यते। अंत में अवसान में सभी के निराकरण के साक्षी रूप से जो बोध है, बोध मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा जो बचता है, जो बोध बचा वही तो आत्मा है। सयो बाध रहिता आत्मा, जो बोध बचा ज्ञान स्वरूप बचा वही बाध रहित आत्मा है। इत्यर्थ सबकी का निराकरण कर दे तो जान लिए कि आपने जाना ना कि कोई नहीं है, तो जो जान रहा है ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप बचा वही तो आत्मा है और कौन है। इस तरह से बताए ननु प्रतिमानस्य सर्वस्यापि निषेधे किंचित नावशिष्यते। शंका हो रही जितने प्रतीत हो रहे सबका निषेध करने पर कुछ भी नहीं बचता। जितने प्रतीत हो रहे हैं सबका निषेध हो गया तो बचा क्या फिर? अतः कथम शिष्यते यत् तदेव तत्। इसलिए आप जो अभी श्लोक में बताया जो बच गया वही आत्मा है, तो भाई जो है जितनी प्रतिमान हो रहे सबका निषेध कर दिए तो बचा क्या ये बताओ। वही करे ननु प्रतिमान से सर्वस्यापि निषेधे किंचित नावशिष्यते। प्रतिमान सभी का निषेध करने पर कुछ भी नहीं बचता। अतः कथम शिष्यते यत् तदेव तत्। इसलिए कैसे आप कह रहे जो बच गया वही वह आत्मा है? इसी अवशिष्टस्य आत्मत्वम उच्यते। इस तरह से बचे हुए में आत्मरूपता का आपने कथन किया, जो बच गया वही आत्मा है, ऐसा कैसे बोल रहे? कुछ बचेगा ही नहीं तो आत्मा क्या हुआ? बचा हुआ आत्मा बचा हुआ क्या? सब का तो निषेध कर दी। इति संकते। इस प्रकार से वो पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। वो शंका करके समाधान तो भी आ जाएगा श्लोक में, शंका भी आ जाएगा समाधान भी आएगा। 31वां श्लोक सर्वबाधेन किंचित चेद यन्न किंचित तदेव तत्। भाषा एवात्र विद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति।
सर्वावादेन किंचित चेत। यहाँ बताए भाई जब सबका बाध कर दिए तो बचा क्या, कुछ तो नहीं बचेगा। हाँ सर्वा सर्वबाधे न किंचित अवशिष्यते चेत, सबका बाध हो जाने पर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सिद्धांति कर रहा है यह न किंचित तदेव तत्, चेत तक तो पूर्व पक्षी आए। सिद्धांति कहे देखो यह न किंचित तदेव तत्, जिसको तुम कह रहे कुछ नहीं वही वह आत्मा है। भाई आप क्यों सबका बाध हुआ तो मतलब उसका ज्ञान तो मानोगे कि नहीं, जान करके बोल रहे हो कि सबका बाध हो गया, बाध मतलब अभाव निश्चय है। तो अभाव निश्चय निश्चय तो हुआ कि नहीं, तो जिसको तुम कह रहे हो यत्न किंचित, जो हाँ जो कुछ भी नहीं ऐसा तुम कह रहे हो तदेव तत्, वही सबके अवभाषक ज्ञान ही आत्मा है। कुछ भी नहीं है मतलब ऐसा ज्ञान हुआ, ये सबके अभाव को का प्रकाशक जो ज्ञान है जिसको आप न किंचित से कह रहे हो कुछ भी नहीं है तो जान करके बोले, तो ये जो सबका अभाव सबके अभाव का प्रकाशक आत्मा है वही प्रकाशक है, वही आत्मा है। प्रकाश सभी के अभाव को का प्रकाशक ज्ञान वही आत्मा है तदेव तक। भाषा एवात्र भिद्यन्ते, यहाँ पे भाषा ही भिन्न भिन्न है, भाषा में ही जो है भाषा को लेके बहुत विवाद हो जाता है। इसलिए वो उदाहरण कोई आता है ना कि एक बार मुंबई में लोकल ट्रेन में बहुत से लड़के लोग झगड़ा कर लिए, कि किसी ने बोला मतलब ये चर्चा चलने लगी कि सबसे मीठा कौन है, सबसे मीठी वस्तु क्या है। तो लड़के लोग आपस में झगड़ा कर लिए, एक हरियाणा का लड़का है वो बोल रहा है गन्ने का रस सबसे मीठा है, फिर एक गुजराती लड़का है उसने बोला नहीं शेरडी का रस जो है सबसे मीठा है, और तीसरा एक बंगाल का था वो बोला नहीं वो इखू 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 रस सबसे मीठा है, और एक मलयालम का आदमी था केरला का आदमी मलयालम भाषा वाला बोला नहीं इससे करिम्ब 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 सबसे मीठा है। इस तरह से आपस में झगड़ा किए, तो मतलब एक ही चीज को सभी चारों बोल रहे हैं, एक ही को गन्ना बोल रहा है कोई शेरडी बोल रहा है कोई करिम्ब कोई इखू रस, एक ही बात तो है अब कौन सा अलग अलग है, लेकिन झगड़ा कर लिए। फिर एक वृद्ध आदमी आके चारों को एक एक थप्पड़ मारा, बोला अरे क्या तुम लोग झगड़ा करते हो, सब शब्द ही अलग अलग है अर्थ बराबर एक ही है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार यहाँ भाषा एवात्र भिद्यन्ते, यहाँ पे केवल भाषा ही भिन्न भिन्न है, तुम कह रहे हो कुछ नहीं है जान के बोल रहे हो उसी को मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा कह रहा हूं, तो भाषा ही तो भेद हुआ अर्थ में भेद नहीं हुआ। निर्बाधम तावद अस्ति ही, निर्बाध आत्मा तो है ही, केवल उसमें भाषा मतलब आत्मबोधक शब्दों का ही अंतर है, शब्दावली में भेद है अर्थ में कोई अंतर नहीं, इसलिए निर्बाध आत्मा तो है ही, उसको तो मानना ही पड़ेगा। टीका में देख लीजिए सर्वबाध है थी। न किंचित अवशिष्यते इति वदता तथापि प्रयोग सिद्धये सर्वाभाव विषयम ज्ञानम अवश्यम अभ्युपेतव्यम। न किंचित अवशिष्यते इति वदता, जो तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं बचता है ऐसा बोलने वाले तुम्हारे द्वारा, ये कुछ नहीं बचता ऐसा बोलने के लिए ज्ञान तो मानना पड़ेगा कि नहीं कुछ नहीं है। आप मेरे पास एक पैसे नहीं है ये बताने के लिए ज्ञान तो होगा कि जान के बोलोगे कि बिना जाने बोलो। तो न किंचित अवशिष्यते इति वदता, ऐसा बोलने वाले के द्वारा, वदता तृतीय एक वचन है, ऐसा बोलने वाले आपके द्वारा, तथापि प्रयोग सिद्ध है, उस प्रकार के प्रयोग मतलब शब्द के प्रयोग की सिद्धि के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इस प्रयोग की सिद्धि के लिए उच्चारण करने के लिए ज्ञान मानना पड़ेगा। सर्वाभाव विषयम ज्ञानम अवश्यम अभ्युतेपेतव्यम,
सभी के अभाव को विषय करने वाले ज्ञान को अवश्य ही मानना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। तो जो ज्ञान है, अतस तदेव अस्मत अभिमत आत्मस्वरूपम, वही सर्वाभाव विषय ज्ञान ही हमारे लिए अभिष्ट आत्मस्वरूप है, उसी को हम आत्मरूप मानते हैं। इति अभिप्रायेण परिहरत, इसी अभिप्राय से परिहार कर दिए, यन्न किंचित तदेव तत्, जो कुछ नहीं है ऐसा कह रहे वही तो आत्मा है, क्योंकि जान के बोले तो ज्ञान ही तो सभी के अभाव को जानने वाला ज्ञान ही आत्मा है। देखो न, वही बात बता रहे, न किंचित इति शब्देन यत् चैतन्यम उच्यते, कुछ नहीं ऐसा जो इस शब्द के द्वारा जो चैतन्य कहा गया, ज्ञान कहा गया, तदेव तद ब्रह्म, वही वह ब्रह्म है। फिर यहां शंका होगी, मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं, आप चैतन्य ले रहे हो, ननु न किंचित इति अभाव वाचकेन न किंचित शब्देन कथम चैतन्यम उच्यते। बोले मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, मतलब मैं अभाव को बोल रहा हूं, और आप चैतन्य को कैसे ले रहे हो, तो अभाव वाचक शब्द से कैसे चैतन्य को कहा जा रहा है आपके द्वारा, हाँ तो कथम चैतन्य मुच्यते इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती जवाब दे रहा है, उत्तर दे रहा है कि नहीं, बाद साक्षिणो अवश्यम अभ्युपेयत्वात्, जो बाद का साक्षी है, अभाव निश्चय का जो को जो अभाव ज्ञान को का अभाव को जो साक्षी है, बाद का साक्षी, उसको अवश्यम अभ्युपेयत्वात्, उसको जो है अवश्य मानना पड़ेगा। इसलिए अविधायक शब्देश्वयो भी प्रतिपत्ति, कि जो वाचक शब्दों में ही अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान आप भी मान रहे हो, ज्ञान मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उसको कहने के लिए आप कह रहे हो कि ना किंचित, और मैं कह रहा हूं ज्ञान स्वरूपात्मा, अभिधायक जो वाचक शब्द है उसी में भी प्रतिपत्ति है, परस्पर हम लोगों का विरोधाभास है, विरुद्ध ज्ञान है, ना विधेय अविधेय यानी अर्थ में अंतर नहीं है, शब्द में ही अंतर आ रहा है, आप कह रहे हो न किंचित, मैं कह रहा हूं आत्मा, तो शब्दावली में अंतर है, क्योंकि ज्ञान तो आपको ही मानना पड़ेगा, अर्थ में अंतर नहीं। इति परिहरति, इसलिए परिहार कर दिए, भाषा एवात्र भिद्यन्ते, भिद्यन्ते भाषा ही हम दोनों की, शब्द ही भिन्न भिन्न है, अर्थ में कोई भेद नहीं है। अत्र अत्र मतलब बाद साक्षिणी प्रत्यगात्मनी, बाद के साक्षी प्रत्यगात्मा में, सर्वांतर आत्मा में भाषा एव, भाषा ही अलग अलग शब्द, इस भाषा यानी शब्द, क्या क्या शब्द बोला, पूर्व पक्षी ने कह दिया न किंचित, और हमने कह दिया साक्षी, तो न किंचित साक्षी इत्यादि शब्दा एव विद्यन्ते, ये शब्द ही भिन्न भिन्न है, अर्थ भिन्न नहीं, निर्बाधम बाध रहितम साक्षी चैतन्यम तो विद्यते एव, बाध से रहित साक्षी चैतन्य तो विद्यमान ही है, वो तो है ही, इत्यर्थ अर्थ है। उक्तम अर्थम श्रुत्यारूढ़ करोति, उपर्युक्त अर्थ को श्रुति में आरूढ़ कर रहे हैं, श्रुत्यारूढ़ श्रुति के शब्दों के द्वारा दिखा रहे, श्रुत्यारूढ़ कर रहे मतलब श्रुति के शब्दों में दिखा रहे, श्रुति के माध्यम से बता रहे, यही श्रुत्यारूढ़ होना है। 32वां श्लोक, अतएव श्रुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः, स एष नेति नेत्यात्मे, त्यतद् व्यावृत्तिरूपतः, अतएव श्रुतिर्बाध्यम बाधित्वा अधः शेषयति, कौन सी श्रुति, शेष एष नेति नेत्य आत्मा, देखो इस तरह अन्वय करना, अतएव स एष नेति नेत्य आत्मा इति श्रुतिर अतद् व्यावृत्ति रूपतः बाध्यम बाधित्वा अधः शेषयति, ये अन्वय होगा, अतएव इसी हेतु से, इसी हेतु से, क्योंकि
ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा इसी हेतु से ही। श्रुति कौन सी श्रुति? स एष नेत्य नेति नेत्यात्मा, वह जो आत्मा है, इति न स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं, इस तरह से सबका निषेध करके अतद व्यावृत्ति रूपता, तद का अर्थ है ब्रह्म, अतद यानी दृश्य जगत, उस दृश्य की व्यावृत्ति करके निषेध करके, तो दिस अतद की व्यावृत्ति रूप से यानी अतद की व्यावृत्ति करके, देखो बता दिया तद का अर्थ है ब्रह्म, अतद यानी ब्रह्म से भिन्न, उस अतद की व्यावृत्ति यानी निषेध जगत का निषेध रूप से निषेध करके, ये जो श्रुति है बाध्यम बाधित्वा, बाध्य पदार्थों का बाध करके, जो बाध्य पदार्थ है उसका बाध करके, अध शेषयति, अध यानी प्रत्यक्ष स्वरूपम, वो जो ज्ञान होने से पहले परोक्ष आत्मा है, अदस अदस शब्द परोक्ष अर्थ में, वह वह बोले वह, उसके लिए अदस शब्द का प्रयोग परोक्ष अर्थ में, तो अदा ज्ञान होने से पहले परोक्ष है प्रत्यक्ष स्वरूप, और ज्ञान होने के बाद वही मैं हूँ, व्यापक व्यापक स्वरूप का भान अपरोक्ष रूप से हो गया, तो अदा इसलिए प्रत्यक्ष स्वरूप, इसलिए श्रुति ने से नेति नेति आत्मा, ये जो श्रुति है अतद की व्यावृत्ति रूप से यानी जगत का निषेध करके, बाध्य बाधित बाध्यम बाधित्वा, जितने भी बाध्य पदार्थ सबका बाध करके, अभाव निश्चय करा के, अध शेषयति मतलब प्रत्यक्ष स्वरूप को बचा देती है, वह आत्मा, स एष नेति नेति आत्मा, आत्मा आगे कह दिया, यह भी नहीं तो ऐसा आत्मा है यानी जिसमें कोई भी स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं कुछ भी कोई भी प्रपंच नहीं, तदिष्ठान रूप से प्रत्यक्ष स्वरूप को बचा देती है, अवशेष करा देती है, इस तरह से, इसलिए ऐसा आत्मा को मानना ही पड़ेगा अधिष्ठान रूप से। टीका में देख लिया, अतएव यत साक्षी चैतन्यम अबाध्यम, क्योंकि साक्षी चैतन्य बाधित नहीं होता है, अतएव इसीलिए स एष नेति नेत्यात्मा इति श्रुति, ये जो श्रुति है अतद व्यावृत्ति रूपतो यानी अनात्म पदार्थ निराकरण द्वारेण, अनात्म पदार्थों का निराकरण के माध्यम से, एक नंबर टिप्पणी भी देखिए स्वयं बता रहे, अतद व्यावृत्ति रूपतो नाम दृश्याभिन्न रूपेण, अतएव प्रागुक्तम प्रत्येक अभिन्नम अद्वैतम ब्रह्म चैतन्यम एव शेषयति, अतद व्यावृत्ति दृश्य अभिन्न, ठीक नहीं लग रहा है टिप्पणी, सीधे सी बात है, तद यानी ब्रह्म, तद का अर्थ है ब्रह्म, और अतद हो गया ब्रह्म से भिन्न जगत, उस जगत की व्यावृत्ति करके, तो दृश्य से अभिन्न रूप से, दृश्य से अभिन्न रूप से जो है, अतएव प्रागुक्तम प्रत्यग अभिन्नम अद्वैत ब्रह्म चैतन्यम एव शेषयति, दृश्य भिन्न, ये ठीक नहीं लग रहा है, या तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, दृश्य भिन्नत्वेन, दृश्य भिन्नत्वेन होता तो ठीक था, ये टिप्पणी जो है जम नहीं रही, इसलिए मैं जो बताया सीधे वही लीजिए, तद का अर्थ है ब्रह्म, अतद यानी ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न और उसकी व्यावृत्ति, ब्रह्म से भिन्न जगत, जगत की व्यावृत्ति करके यानी निषेध करके उस अधिष्ठान को शेष बचाती है, अधिष्ठान को शेष कर देती है, इसलिए वहां सीधे से टीका में ही अर्थ दे दिए, अतद व्यावृत्ति रूप तो मतलब अनात्म पदार्थ निराकरण द्वारे, टिप्पणी में जाने की भी जरूरत नहीं टिप्पणी, क्योंकि ये दृश्या भिन्न रूपेण ये जो जम नहीं रहा है, अथवा कुछ और कोई गूढ़ रहस्य हो तो मेरे दिमाग में वो बात नहीं आ रही, इसलिए सीधे सीधे वो टीका में ही देखिए, अतद व्यावृत्ति रूपतो मतलब अनात्म पदार्थ निराकरण द्वारेण, अनात्म पदार्थ का निराकरण करके, बाध्यम जो निराकरण योग्यम, जिसका बाध होगा उसे बाध्य कहेंगे, निराकरण के योग्य सर्वम अनात्मक वस्तु जातम बाधित्वा, सभी अनात्मक वस्तु समुदाय का बाध करके यानी निराकृत्य, अदो निराकर्तुम अशक्यम प्रत्यक्ष स्वरूपम, अध का अर्थ है वह जो प्रत्यक्ष स्वरूप जिसका निराकरण हो नहीं सकता है
उसको शेष यति मतलब अवशेष यति अवशेष बचा देती है, उसका बाध नहीं करती। श्रुति कभी उसके बाध का कथन नहीं करती। भाई साक्षी चैतन्य बाधित हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका बाध नहीं कर सकते। ये बताए। हाँ हाँ बस वही वही बात है। वहां पे भी अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। अतद की तद यानी ब्रह्म, अतद यानी जगत, जगत की व्यावृत्ति करके जिसको चकित हो करके मतलब विधि मुख्य ने नहीं कहती है भाई, मुख्य जो निरूपण है आत्मा का वो निषेध मुख्य ने, तो शक्ति वृत्ति से उसका निरूपण नहीं कर रही। आश्चर्य चकित हो करके देखो यह अभी नहीं अस्थूलम अनडुअ ह्रस्वम दीर्घम, तो सांसारिक धर्मों का निराश करके ही श्रुति जो है चकितम अभिदत्ते चकित हो करके कह रही। तो वही बात वहां महिम्न में भी कहे ते हो गया। आगे देखिए टीका में, नेति नेति इति श्रुतिर बाध योग्यं बाधित्वा। नेति नेति यह जो श्रुति है बाध के योग्य का बाध करके, यानी जो बाध्य है बाध के जिसका बाध होगा, जैसे वहां पे रस्सी में सर्प दिख रहा है, सर्प उसको सर्प बाध के योग्य है तो उसको बाध्य कहेंगे। ऐसी व्यावहारिक जगत पारमार्थिक रूप से नहीं है तो ये भी बाध्य हो गए। तो बाध योग्यम बाधित्वा, बाध योग्य पूरे जगत का बाध करके बाधितुम अशक्यम अवशेषयति इति उक्तम। जिसका बाध हो ही नहीं सकता उसको शेष बचाती है, क्योंकि उसका बाध हो ही नहीं सकता, इति उक्तम ये बात कही गई। तत्र कीदृशम बाधितुम शक्यम कीदृशम अशक्यम, बोले किस प्रकार का स्वरूप बाध किया जा सकता है और किस प्रकार के स्वरूप को बाधित नहीं किया जा सकता। इति विवक्षायाम, जरा एक बार स्पष्ट विभाग करके मालूम पड़ जाएगा, ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसका बाध हो सकता है और ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसका बाध नहीं होगा, ये बताओ। इति विवक्षायाम, इस प्रकार से कहने की इच्छा होने पर, विवक्षा वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा होने पर तद उभयम विभज्य दर्शयति, दोनों का विभाग करके किसका बाध होता है किसका बाध नहीं होता है, ये 33 नंबर श्लोक दिखा में दिखा रहे। इदम रूपम तु यद्यावत् तत्यक्तुं शक्यते खिलम्। अशक्यो ह्यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः। इदं रूपं तु यद्यावत् इदं रूपं, जो कुछ भी जितना कुछ भी इदं रूप है, इदं रूप वाला है मतलब दृश्य है, इदम कर यानी जो ज्ञान का विषय बनता है, जितना भी पदार्थ ज्ञान के विषय बनते, तो ज्ञान का विषय मतलब केवल प्रत्यक्ष ज्ञान का ही विषय मत लेना, अनुमान ज्ञान का भी विषय, क्योंकि जो सूक्ष्म प्रपंच है उसका भी तो बाध होता है। धर्माधर्म भी देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता लेकिन उसको भी निषेध, पूरे प्रपंच का जब बाध करना है तो धर्माधर्म का भी बाध करो, इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता उनका भी बाध करना पड़ेगा। इसलिए जिनका भी ज्ञान होता है जो ज्ञान के विषय बनते हैं, यह यानी ज्ञान के भी, यह का मतलब है ज्ञान के जो विषय बनते हैं। इदम रूपम, इदम रूपम मतलब जो दृश्य स्वरूप है, जितना भी ज्ञान के विषय बनते हैं जितने भी, तत्त्यक् तुम शक्यते खिलम, उन सभी का त्याग किया जा सकता है, उन सभी का त्याग हो सकता है, वे बाधित हो सकते हैं क्योंकि वो ज्ञान के विषय बनते हैं, आत्मा से भिन्न है, अनात्मा है, इसलिए उनका बाध हो सकता है, अखिलम संपूर्ण का बाध। और अशक्यो यानी इदम रूप, जो इदम रूप वाला नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बल्कि सबका साक्षी है, वह अशक्यो बाधितुम अशक्यो त्यक्तुम अशक्यो, उसका त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसा सा आत्मा बाध वर्जित, तो जिसका त्याग नहीं कर किया जा सकता ऐसी आत्मा बाध से रहित है, उसका अभाव निश्चय कभी नहीं हो सकता, वह अभाव नहीं हो सकता उसका। टीका में देखिए, इदम रूपम
इदम रूपम कर देखिए टीकाकार कर रहे, इदम रूपम इत्येवम रूपम दृश्यत्वेन अनुभव अनुभूयमानम रूपम स्वरूपम यस्य, इदम रूप दृश्य जिसका स्वरूप है, दृश्य रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, इदम इत्येव इदम रूपम यानी इत्येवम रूपम, इदम इस प्रकार का रूप है जिसका मतलब दृश्यत्वेन अनुभव अनुभूयमानम रूपम स्वरूपम यस्य देहादेह, दृश्य रूप से जो जिनका जो ज्ञान के विषय बन रहे शरीर आदि उसको जो है तदिदम रूपम, दृश्य होने से जो ज्ञान के विषय बन रहे, तो ज्ञान के विषय जो शरीर आदि हो गए इदम रूपम, इदम रूप वाले ज्ञान के विषय बनते, तू शब्द अवधारण, तू शब्द अवधारण, इदम रूपम एव, तू का अर्थ लेना एव, इदम रूप ही बाधित किया जा सकता है। यदि यावत इति पद द्वयम सर्वदृश्योपसंग्रहार्थम, यदि यावत ये जो दो पद आया केवल एक दो दृश्य का बाद नहीं संपूर्ण दृश्य का बाद होता है ऐसा दिखाने के लिए, जो कुछ भी ज्ञान के विषय बनते हैं सब के सब दृश्य का बाद होता है, पूरे की पूरे को घटाने के लिए यदि यावत ऐसा दो पद लिए, तो कुल मिलाकर के प्रथम वाक्य का क्या अर्थ निकला, पूर्वार्ध का क्या अर्थ निकला, देखो एक एक वाक्य दे दिए, इस वाक्य में पूर्वार्ध का अर्थ एवं च सति यद दृश्यम तद अखिलम त्यक्तुं शक्यते व इत्यर्थ संपद्यते, जो कुछ भी दृश्य है उसका वो अखिल संपूर्ण दृश्य का त्याग किया जा सकता ही है, शक्यते व किया जा सकता ही है यानी उसका बाद होता ही है, ये अर्थ संपन्न हुआ, ये अर्थ निष्पन्न हुआ। और अनिदम रूपम जो इदम रूप वाला नहीं है यानी प्रत्यक्त्वेन इदंतया अवगंतुम अयोग्य साक्षी, प्रत्यक्ष रूप से इदम रूप से जो जानने योग्य नहीं है साक्षी, वह साक्षी अशक्यस्त्यक्तुम इत्यर्थ, उस साक्षी को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है, सर्वांतर है, सबको जानने वाला, उसको कैसे छोड़ दोगे, हमारे ही स्वरूप है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसको साक्षी, साक्षी शब्द से ही मालूम पड़ गया जो जानने वाला साक्षी है उसको कैसे छोड़ सकते हैं, अशक्यस्तत्वमित्यर्थ ही इति निपातेन प्रसिद्धि द्योतकेन, ही है ना अशक्यो ही अनिदम रूप, ही यानी प्रसिद्ध है कि भाई वो जो उसका स्वरूप ऐसा है साक्षी का कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, वो प्रसिद्ध बात है, हर एक व्यक्ति नहीं किंतु शास्त्र जानने वाले जानते हैं, शास्त्र अध्येताओं में ये बात प्रसिद्ध है, भाई आप लोग ही जितने लोग श्रवण कर रहे हैं जितने लोग यहाँ पे ही है वो तो सभी जानते हैं कि आत्मा का बाध नहीं होता है, इसलिए ही शब्द आया प्रसिद्धि को दिखाने के लिए कि प्रसिद्ध है कि वो उसका बाध नहीं होता है, ही इति निपातेन प्रसिद्धि द्योतकेन त्यक्तु स्वस्वरूपत्वेन त्यागा योग्यताम सूचयति, जो त्याग करने वाला है उसका आत्मा तो उसका स्वरूप है तो इसलिए त्यागा योग्यताम सूचयति, उसकी त्याग उसमें त्याग की योग्यता उसमें नहीं, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, हमारे अपने जो छोड़ने वाला जगत को जो छोड़ रहा है तो त्यक्ता आत्मा, वो तो हमारा ही स्वरूप है इसलिए वो त्याग के योग्य नहीं है, ये बात ही के द्वारा सूचित हुई प्रसिद्धि द्योतक ही शब्द के द्वारा, ये प्रसिद्ध है को त्याग के योग्य नहीं। फलितमा, फलित क्या हुआ, स आत्मा बाध वर्जित, वो जो आत्मा है बाध से रहित है, यो बाध रहित साक्षी स एव आत्मा, जो बाध से रहित साक्षी है वही हमारी आत्मा है, न अहंकार आदि दृश्य इत्यर्थ, अहंकार आदि दृश्य आत्मा नहीं है। इस श्लोक में देखिए ये दोनों बातें विभाग करके दिखा दी कि किस प्रकार का बाधित होता है और किस प्रकार का बाधित होता है, जो दृश्य बन गया ज्ञान का विषय बन गया वो तो बाधित ही होगा, और जो दृश्य नहीं बना ज्ञान का विषय नहीं बना साक्षी है उसको बाध नहीं कर सकते, ये बातें स्पष्ट कर दी। भवत्व आत्मनो अबाध्यत्वम,
चलो आत्मा में बाध्यत्व तो सिद्ध हो, अब अबाध्यत्व तो सिद्ध हुआ, आत्मा का कभी बाध नहीं हो सकता, त्रिकाला बाध्य है, तो त्रिकाला बाध्यत्व रूपी सत्यत्व वो जो है अब यहाँ सिद्ध हो जाए। प्रकृति की माया तम, प्रकृति में क्या आया, तब यहाँ दिखा देंगे कि जो विषय चल रहा था 28वां श्लोक जो आया था कल, वहाँ ये शंका किए थे कि वहाँ तो मतलब स्वयं प्रकाश दिखा दी अनुमान के द्वारा, स्वयं प्रकाश दिखाने के बाद बोले कि ठीक है आत्मा स्वयं प्रकाश है, लेकिन ब्रह्म का लक्षण तो नहीं घट रहा है, तो ब्रह्म से भिन्न मानोगे तो जीव ब्रह्म की एकता से मुक्ति ये जो है वो नहीं सिद्ध हो पाएगी। तो यहाँ पे बताया कि नहीं ब्रह्म का लक्षण घटता है, तो ये सत्य तो यहाँ सिद्ध किए। अब ज्ञान रूपता पहले ही बता दी गई है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम, और तीन प्रकार का परिच्छेद नहीं ये भी बता देंगे, तो ब्रह्म का लक्षण पूरी तरह से घट जाएगा। तो आगे का विचार तो हम लोग कल, अष्टमी है परसों करेंगे, नवमी के लिए कल अनध्याय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।